नमस्कार, टेक बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल शर्मा। तो सीधी तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं, यहां पर जानसा रोड स्थित यहां पर एक मकान में लग गई भयंकर आग। यहां पर देख सकते हैं, आपको बुझाने के लिए पहुंचे दमकल विभाग की गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर छत पर देख सकते हैं किस तरह से भयंकर यहां पर आग लग चुकी है। बहुत बुरी तरह से यहां पर लकड़ियां सब यहां पर जल चुकी है। आग का कारण नहीं पता चला। जी हाँ, आग का कारण अभी तक पता नहीं चला किस कारण यहां पर लगी हुई है। तो देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें। हमारे तमाम व्यूअर जितने भी इस खबर को देख रहे, खबर को साथ के साथ शेयर जो करते रहिएगा। जबरदस्त यहां पर जानसा रोड पर एक मकान पर लग चुकी है आग। तो आप देख सकते हैं, आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां जो है वो गली में, जो किस तरह से लोग यहां पर इकट्ठे हो चुके हैं, देख सकते हैं गली में लोगों की छतों पर यहां पर लोग यहां पर किस तरह से इकट्ठे हो चुके हैं। तो देख सकते हैं आग को बुझाने का यहां पर कार्य यहां पर किया जा रहा है। अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं जानसा रोड पर। जी जानसा रोड पर देख सकते हैं, यहां पर जानसा रोड पर सीधी तस्वीरें। हमारे तमाम व्यूअर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जो करते रहिएगा। तो आग यहां पर लग चुकी है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छत पर चढ़कर। जी हाँ, छत पर ये दमकल विभाग के जो दो कर्मचारी देख सकते हैं यहां पर पाइप लेके आए हैं, अग्निशमन की गाड़ी है यहां पर आग बुझाने के लिए। तो आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला है, आग किस कारण यहां पर लगी हुई है। अभी हम लोगों से भी बात करेंगे यहाँ के, भाई आग का लगने का कारण क्या है। जो मकान का ओनर है, जो मालिक है, उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे भाई मकान में आग लगने का कारण क्या हुआ, आखिरकार कैसे लगी आग यहाँ पर। तो दमकल विभाग के देख सकते हैं दो कर्मचारी यहां पर छत पर चढ़ चुके हैं और यहां पर आग बुझाने का यहां पर कार्य यहां पर शुरू हो चुका है। नीचे की तो इन्होंने आग बुझा दी है, मगर ऊपर जो छत पर जो आग लगी हुई थी, मगर अभी भी देख सकते हैं किस तरह से धुआं यहां पर उठ रहा है और ऊपर में जो है वो आग यहां पर जल रही है। जो आग यहां पर देख सकते हैं लगी हुई है, ये फाइबर की छत थी, पूरी फाइबर की छत यहां पर जल चुकी है, मगर आग लगने का कारण अभी तक नहीं पता चला है। तो हमारे तमाम व्यूअर देख सकते हैं यहाँ पर अग्निशमन की जो किस तरह से आग आग को यहाँ पर बुझाते हुए, आग पर काबू पाते हुए। हम भी किसी पड़ोसियों की छत पर चढ़कर यहाँ पर, ये सिर्फ न्यूज बनाने के लिए आए हैं ऊपर में। भाई साहब नीचे भी लगी हुई आग, नीचे भाई साहब सिरे पे देखो, सिरे पे वो हम खुद उनको बता रहे हैं यहाँ पर आग लगी हुई है। तो इस तरफ भी आप देख सकते हैं, गली में, पड़ोस में, सभी छतों पर लोग इकट्ठे यहाँ पर हो चुके हैं। किस तरह से देख सकते हैं आग को यहाँ पर काबू पाया जा रहा है आग के ऊपर। आग लगने का कारण पता चला है जी, क्या है आग लगने का कारण पता नहीं चला जी। अभी आग लगने का कारण नहीं पता चला है यहाँ पर, किस कारण यहाँ पर आग लगी है वो तो जो मकान का जो ओनर है, जो मालिक है, वही आपको बताएंगे आग लगने का कारण क्या है। अभी थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पर। छत पर चढ़े हुए अग्निशमन के दो कर्मचारी आग पर काबू पाते हुए। अभी भी नीचे लकड़ियों में आग लगी हुई है, देख सकते हैं अभी भी नीचे लकड़ियों में आग लगी हुई है, आग जल रही है यहाँ पर। हम आपको दिखा देते हैं, नीचे अभी भी आग लगी हुई है भाई साहब, नीचे लगी हुई है, नीचे 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 देखो।
हम आपको वो घर दिखाना चाहते हैं जी हाँ, घर वो अब आपको दिखाना चाहते हैं जिस घर में आग लगी हुई है। जी हाँ, जिस घर में आग लगी हुई है, किस कारण आग लगी है वो हम मकान मालिक से पूछने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, मकान मालिक से पूछने की कोशिश की जाएगी किस तरह से आग लगी, आग लगने का जो मेन कारण क्या है। हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर लोगों से भी बात करने की। तो देखते हैं अग्निशमन की यहाँ पर गाड़ी मौके पर यहाँ पर पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने के लिए, जी आग पर काबू पाने के लिए यहाँ पर अग्निशमन के जो कर्मचारी वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पुलिस प्रशासन के जो मुलाजिम है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस घर में आग लगी है, जिस घर में आग लगी है तो देख सकते हैं आग लगने का जो कारण है अभी तक पता नहीं चला है। जी हाँ, आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला है। तो हम उसी घर में है इस समय जी। तो उसी घर में हम इस समय मौजूद हैं। तो पुलिस प्रशासन भी यहां पर मौके पर पहुंच चुका है। तो देख सकते हैं किस तरह से जलकर सब कुछ यहाँ पर राख हो चुका है। आग लगने का जो कारण है जी, मौके से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे तमाम व्यूअर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जो करते रहिएगा। सब कुछ मकान मालिक है क्या भाई? जल चुका है यहाँ पर, सब कुछ यहाँ पर जल चुका है देख सकते हैं। पहले हम पड़ोसियों की छत से आपको लाइव दिखा रहे थे, मगर अब बिल्कुल लाइव हम आपको वहां से दिखा रहे हैं जहां पर मकान में आग लग चुकी है। पंखे देख सकते हैं किस तरह से बुरी तरह से यहां पर जल चुके हैं सब कुछ सामान। मगर अभी तक यहां पर आग लगने का जो कारण है, मेन कारण, वो नहीं पता चला किस कारण यहां पर आग लगी हुई है। तो सामान देख सकते हैं किस तरह से ऊपर से नीचे यहां पर गिर रहा है। हमारे तमाम व्यूअर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जो करते रहिएगा। तो नीचे मकान मालिक से पूछते हैं भाई आग लगने का मेन कारण क्या था। जी हाँ, आग लगने का मेन मुख्य कारण क्या था और क्या रहा यहां पर। तो देख सकते हैं किस तरह से ऊपर से जो है यहां पर सामान यहां पर गिर रहा है। तो हमने आपको वो मकान आपको दिखाया। तो नीचे हम पूछने की कोशिश करेंगे भाई मकान मालिक के, पूरा घर जो है वो पानी पानी देख सकते हैं हो चुका है। पूरे घर में यहां पर पानी है, मगर मकान मालिक का अभी तक नहीं यहां पर पता है। मकान मालिक का तो भीड़ देख सकते हैं आप किस तरह से लोगों की यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। तो मकान मालिक कहाँ पे है? यहाँ पे ऊपर ही है। तो आग लगने का मेन कारण पता चला आपको? किसी को भी नहीं पता आग लगने का मेन कारण क्या हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पर आग लगने का मेन कारण यहाँ पर नहीं पता चला, मगर पुलिस प्रशासन के जो मुलाजिम है वो भी यहाँ पर नीचे आ चुके हैं। हमारे साथ ऊपर गए थे, वहां पर मकान मालिक को भी आवाज लगाई, मगर यहाँ पर मकान मालिक की तरफ से कोई आवाज नहीं आई है। तो सीधी तस्वीरें हमारे तमाम व्यूअर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं, खबर को साथ के साथ शेयर जरूर। सर आपको पता चला राजेश जी मकान मालिक कौन है यहाँ पर, पता चला है आपको? पता करते हैं जी, अभी आग बुझाई है जी। तो पुलिस प्रशासन का यहाँ पर कहना है अभी आग बुझाई, अभी मालिक जो है, जो मकान का ओनर है, वो देखते हैं कौन है, नीचे आएगा, क्या बताएगा, किस कारण यहाँ पर आग लगी है। तब हम तो यही तो पूछ रहे हैं जी मकान मालिक कौन है, आग का कारण मेन मुख्य कारण क्या रहा। आग का तो पता नहीं क्या, अब ना आग लगी इसमें आग क्या, हम तो नीचे थे सारे, पता नहीं हमारे क्या रखा था ऊपर, ऊपर तो पड़ी लकड़ियां पड़ी ऊपर तो बस। हाँ लकड़ियां पड़ी ऊपर, लकड़ियों में आग लग गई, अपने आप क्या तारा तो लगाई हुई ऊपर, पता नहीं कायदा लगी पता नहीं, और तो कोई है नहीं कुछ, कोई भी
वो पड़ी लकड़िया पड़ी ऊपर तो बल लकड़िया क्या पता क्या लग गई तारा लग रही है कुछ तो ऊपर भी सामान तो कितना पड़ा है आग लगी तो तारा में आग लगी तो ऊपर वाले फ्लोर पे लगी ना छत पे लगी छत में लगी ऊपर वाले हाँ उसमें आप इसी मकान में रहते हैं हाँ इसी मकान तो रह रहा हम भी ना चूल्हा चला कुछ नहीं जलाया हम तो सिलेंडर नीचे वाला हम तो सिलेंडर नीचे लगाया हुआ हाँ जी हाँ संतोष है तो आप देख सकते हैं जो मालिक है वो कह रहे हैं यहाँ पर जहाँ एक उनकी धर्म पत्नी है वो यहाँ पर मिली है लकड़ियां पड़ी हुई थी ऊपर आग लग चुकी है मगर आग लगने का कारण जो है मेन कारण वो भी यहाँ पर ये बता नहीं रहे हैं और कह रहे हैं पता नहीं कैसे आग लग चुकी है जी हाँ पता नहीं कैसे आग लग चुकी है। तो देख सकते हैं अग्निशमन की यहाँ पर गाड़ी बाहर खड़ी हुई है और लोग यहाँ पर किस तरह से इकट्ठे हो चुके हैं। लोगों से अगर जो पूछने की कोशिश करें आपको कैसे पता चला आग लगी आप यहीं पे रहते हो आपको कैसे पता चला आग लगी यहाँ पर हाँ जी तो कह रहे हैं बच्चों ने बताया है आग लगने का कारण देख सकते हैं अभी भी दो व्यक्ति जो हैं वो ऊपर छत पर हैं जहां दो व्यक्ति अभी भी ऊपर छत पर हैं मगर मकान मालिक का नहीं पता अभी। तो एक लेडीज जरूर सामने आई है यहां पर जो मकान में रहते हैं हमने आपको दिखाया लाइव रिपोर्टिंग में ऊपर से किस तरह से सामान धड़ाधड़ ऊपर से गिर रहा था लकड़ियां जो है वो गिर रही थी यहाँ पर पानी के बीच में। तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूछताछ कर रही है यहाँ पर पुलिस प्रशासन कृष्णा गेट के जो है वो पूछताछ कर रही है। अभी ऊपर कोई मेन सामान तो नहीं पड़ा था मगर वहां पर लकड़ियां पड़ी हुई थी मगर आग लगने का कारण अभी तक इन्होंने नहीं बताया जी आग लगने का कारण अभी तक इन्होंने नहीं बताया मगर मौके पर पहुंच के हाँ अग्निशमन की गाड़ी जो है वो मौके पर पहुंच के आग पर काबू जरूर पा लिया गया है जी काबू यहाँ पर जरूर पा लिया गया मगर पूरा घर में पानी पानी हो चुका है। किसी तरह से बड़ी मशक्कत करने के बाद यहाँ पर आग पर काबू पाया गया जी आग पर यहाँ पर काबू पा लिया गया है। तो हमारे तमाम व्यूवर जितने भी इस खबर को देख रहे हैं खबर को साथ के साथ शेयर जो करते रहिएगा। तो आग जनी को देखकर यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं कितने यहाँ पर भीड़ हो चुकी है आस पड़ोस की गली के लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं मगर आग की बात सुनते ही आग की लपटें बड़ी दूर दूर तक ऊंची ऊंची यहाँ पर उठ रही थी मगर सबसे ऊंचे वाले मरले पर छत पर आग लगी थी। आग वहां पर हमने आपको दिखाया लाइव रिपोर्टिंग में पंखे और लकड़ियां वहां पर पड़ी हुई थी जहां पंखे और लकड़ियां वहां पर पड़ी हुई थी मगर उसमें आग लगने का कारण नहीं पता चला अभी तक। जो मकान मालिक की जो ओनर उनकी धर्म पत्नी है उनसे हमारी बात हुई तो वो कह रहे आग लगने का मैं इसी मकान में रहती हूँ मगर आग लगने का कारण नहीं पता चला किस कारण यहाँ पर आग लगी है मगर आग पर काबू पा लिया गया है। तो बने रहिए सीधी बात पर और तमाम खबरों के साथ मिलते हैं आपको राहुल शर्मा के साथ धन्यवाद।